हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज मैं स्पेशली क्लास 10th के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि रिसेंटली सीबीएसई ने आपके मैथ सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में उन्होंने इक्वलिटी डिवीजन लिमा को हटा दिए। ये 3 मार्क्स का लास्ट ईयर तक क्वेश्चन आता था, इस साल नहीं आएगा। और इसमें आपके पास ऑप्शन बहुत हैं जो सीबीएसई आपको दे सकता है एग्जाम में। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर, या फिर आपके पास प्रॉब्लम सम्स आ सकते हैं एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड। और 1-2 मार्क्स में आ सकता है कि प्रूव दैट, कोई भी नंबर फाइंड आउट करने को आ सकता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरह से। और चैप्टर 2 है, आगे बात करते हैं। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में उन्होंने दिया है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल प्रॉब्लम्स। तो इसमें आप ये चीज समझिए कि जो एक्सरसाइज 2.3 है वो नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे दिया है कि स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन, मतलब डायरेक्ट डिवाइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ये डिवीजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मत पढ़िएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। और चैप्टर 2 से वैसे भी 4 मार्क्स का आता है, तो आपके पास एक्सरसाइज 1 2.1 है, 2.2 उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें उन्होंने डायरेक्ट दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम सम्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम सम्स आ सकते हैं, वो आपको स्टेप डेविएशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने को आ सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उन्होंने मेंशन किया है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी प्रॉब्लम सम्स हैं वो नहीं आएंगे। उसमें सिर्फ इतना मेंशन है कि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे सॉल्व फॉर एक्स, 1/(x-2) +1/(x-3) = 1/2, इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर सीधे सीधे 4 मार्क्स का है, तो इसमें डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड कोई भी डेली डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड सम्स नहीं आने वाले, तो नॉर्मली एनथ टर्म बेस्ड सम क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, तो ये चैप्टर और इजी हो जाएगा। तो इसलिए जो एक्सरसाइज आपके पास 5.3 है, उसके जो लास्ट लास्ट के क्वेश्चन है जो डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड है, वो मत करिएगा। ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल में उन्होंने सीधे सीधे मेंशन किया कि 2 थ्योरम नहीं आएंगी, एक तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और दूसरा है कन्वर्स ऑफ पीजीटी। कन्वर्स ऑफ पीजीटी नहीं आ सकती, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, मतलब इस साल आने के चांसेस हैं। एक तो आ सकती है आपके पास थेल्स थ्योरम, और दूसरा अगर कन्वर्स ऑफ पीजीटी नहीं आ रही है, तो पीजीटी और हर साल ही आती है, तो 4 मार्क्स में आ सकती है। और वैसे भी ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, तो उसमें से आपके पास पीजीटी आ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सर्कल। सर्कल में उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, सर्कल में सब कुछ आएगा। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अगर बात की जाए, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन में सिर्फ जो चीज उन्होंने हटाई है वो ये है कि आपके पास एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसी में जो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है, वो इस बार नहीं आएगी। और नेक्स्ट आके बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने सीधे सीधे मेंशन किया मोटिवेट दी रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 to 90, 0 and 90 डिग्री। कहने का मतलब 0 और 90 डिग्री पे जितने भी वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है वो इस बार एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, तो उनको आप ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पूरा बहुत जरूरी है, इसलिए उसको पूरा कवर करिएगा। पर एग्जाम वाइज अगर देखा जाए, तो जितने भी 0 और 90 डिग्री पर वैल्यू वाले क्वेश्चन है वो नहीं आने वाले 1-2 मार्क्स में। और नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब है एक्सरसाइज 8.3 नहीं आने वाली, उसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, उसमें सब कुछ आएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल, जितनी भी प्रॉब्लम बेस्ड है सेंट्रल एंगल पर, दैट मीन्स 120 डिग्री पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो उसमें फ्रस्टम ऑफ कोन लास्ट एक्सरसाइज जो फ्रस्टम पर बेस्ड है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आगे अगर हम बात करें तो स्टेट्स की बात करते हैं। स्टेट्स में आपके पास है स्टेट्स स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड की अगर बात करें, तो स्टेप डेविएशन मेथड आएगा मीन से रिलेटेड। मीन में ये मेथड है, तो ये नहीं आने वाला है। बाकी दोनों के दोनों मेथड आएंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड है और डायरेक्ट मेथड, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। और हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं ओजीव कर्व, वो नहीं आएगा। और लास्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीशन
नहीं किया गया। स्टूडेंट्स इस साल आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि सिलेबस 30% रिड्यूस हो सकता है, तो थोड़ी सी मेहनत करें और आपके मार्क्स 100 में से 100 आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको स्टूडेंट्स अगर इसमें भी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।